ये हमसे सवाल है? नहीं नहीं खान साहब, आपसे आपसे बहुत सारे सवाल हो गए, बाकी मेहमान। रूबिका जी, खान साहब से कहिए कि एक ट्वीट करवा देना, पीआर टीम से एक ट्वीट करवा दें कि कहां से चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे भी रूबिका जी तो केवल उन्हीं सीटों से लड़ेंगे जिनको वो सुरक्षित मानते हैं, उनके और उनके परिवार की जो सीटें हैं, दो तीन घूम फिर के कन्नौज हुआ, सैफई हुआ, वहीं से लड़ेंगे, कहीं से नहीं लड़ सकते। और पहली बात तो लड़ने की बात छोड़िए, इसके पहले जब मुख्यमंत्री थे तब कौन सा चुनाव लड़े थे, पूछिए इनसे, चुनाव लड़े थे। और आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की उत्तर प्रदेश में जो सर्वमान्य स्वीकृति बनी हुई है नेता के रूप में, मैं आपको बताना चाहूंगा खान साहब कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कहीं से भी वो लड़ जाएंगे तो वो जीत के, प्रचंड जीत के साथ निकलेंगे। यहां तक कि अगर रामपुर में भी लड़ जाएंगे, रामपुर में भी लड़ जाएंगे तो भी प्रचंड जीत के साथ निकलेंगे। और आप गोरखपुर की बात कर रहे हैं, एक बार लड़वा के तो देख लीजिए ना। मैं तो कहता हूं कि आप आपके नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विरोध में लड़ेंगे, आप अनाउंस कर दीजिए। देखिए रूबिका जी, आज जो जन विश्वास यात्रा निकल रही है, कि ये अपने नेताजी को अनाउंस कर दें कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विरोध में लड़ेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। जो कभी मंदिर नहीं गए रूबिका जी, जो आज स्थिति ये है भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कारण, जो विपक्षी भी जो कभी आचमन भी नहीं किए, आज वो तिलक लगाकर और द्वारे द्वारे जाके घंटी बजा रहे हैं, तो ये तो स्थिति है। और बाद में आज दावा करते हैं कि चुनाव ये हमारे नेता का फैसला होगा। नेता होते किस लिए हैं? जनता के लिए होते हैं। चुनाव में लड़वाइए ना, चुनाव में लड़वाइए, चुनाव में लड़वाइए। आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़े, अखिलेश यादव क्या ये चैलेंज कर सकते हैं उनको, क्योंकि आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने गरीबों पर बहुत ज्यादा जो अत्याचार किया है, तो ये आज की तारीख में आप चैलेंज दे सकते हैं कि जहां से योगी खड़े होंगे वहां से अखिलेश खड़े होंगे और जनता अखिलेश को जिता देंगी? देखिए मुझे मौका दे, अभी देखिए इन्होंने दो तीन बातें कही, ये मैं वो बात कहना चाहूंगा। देखिए जन विश्वास यात्रा निकल रहा है उत्तर प्रदेश में, ना उसमें जन दिख रहा ना विश्वास दिख रहा है, ये इस बात को विशाल जी भी जानते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना खान साहब, आप इधर आप बाकी सारे मुद्दों पर बात कर लीजिए ना, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। विरोध में लड़वाइए ना खान साहब, अरे मुझे मौका दे, प्लीज मुझे मौका दे। इतना जन विश्वास है, जनता बता देगी, क्या दिक्कत है? चैलेंज स्वीकार करिए विशाल जी, रुकिए, चैलेंज स्वीकार करिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में विशाल जी रुकिए, चैलेंज स्वीकार करिए विशाल जी रुकिए, खान साहब को मौका दीजिए, योगी आदित्यनाथ महाराज जी खान साहब को मौका दीजिए। लोकतंत्र में सबको सबको हिस्सेदारी, सबको हिस्सेदारी, लेकिन खान साहब सबसे ज्यादा टुकड़ा रोटी का इस डिबेट की अभी आपने ही खाया, ये याद रखिएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी बात मेरी नहीं हुई ना, मेरी बात होने दे रूबिका जी, आप बड़ी पत्रकार है, मुझे मौका दे। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह शिलान्यास पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और शिलान्यास के बहाने रैलियां हो रही हैं, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, ये घबराहट है, उसके बावजूद भी भीड़ नहीं है, उत्साह नहीं है, लेकिन हमारे नेता के भीड़ में उत्साह है, जनसंख्या है। खान साहब इसीलिए तो बोल रही हूँ कि वो जबरदस्त ऐतिहासिक शानदार जानदार जनता के उत्साह को देखते हुए क्या अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कि जहां से योगी लड़ेंगे वहां से मैं चैलेंज करता हूँ, उनको हराऊंगा, मैं ये जानना चाह रही हूँ। योगी जी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, प्रदीप जी योगी जी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लूज है, प्रदीप जी ट्वीट कर रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोगों के सपने में आ रहे हैं, सिर्फ सिर्फ कह रहे हैं अपनी बातें, मथुरा को सिर्फ उछालने की कोशिश हो रही है। देखिए रूबिका जी, ऐसा है कि खान साहब तो एक नई बात कह रहे हैं कि बीजेपी हताश है, निराश है और हार दिखाई दे रही है, तो जिसको हार दिखाई दे रही है वो चुनाव क्यों लड़े, वो तो एमएलसी पहले से है, तो उनको चुनाव लड़ने की तो जरूरत ही नहीं है। तो चुनाव तो वो लड़ने की घोषणा वही कर सकता है जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिसको भरोसा हो कि जीत सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने तो अभी तक घोषणा नहीं की है। एक बार 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के मुखिया थे, सर्वे सभा जिता कर ले आए। उसके बाद उन्होंने गद्दी सौंप दी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के नेतृत्व में तीन चुनाव पार्टी ने लड़े हैं, 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा, एक में भी जीत हासिल नहीं हुई। जो परफॉर्मेंस है आप देख लीजिए, 14 में 5 सीटें मिली 80 में,
2017 में जो है 403 में से 47 सीटें मिली, और 2019 में जब बुआ जी का साथ मिल गया तब भी 5 ही सीटें 80 में रह गई लोकसभा। तो भाई ऐसा है कि आगे क्या होगा, हम भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन जो अतीत में हुआ है उसके आधार पर एक आकलन जरूर कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी आज तक बेस्ट परफॉर्मेंस जो उसकी 2012 में रही है उस समय तक 30% वोट से ऊपर नहीं गई, तो अब कैसे चली जाएगी? जो बेंचमार्क इस समय तय हुआ है वो सरकार वो बनाएगी पार्टी जो 40% वोट लेकर आए। तो सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए घोषणा करेंगे कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ABP News आपको रखे आगे।